अब हम सातवीं जमात की किताब में से नात पढ़ेंगे। तो पहले नात को पढ़ते उसके बाद फिर तशरीह करेंगे, इसमें से कुछ अल्फाज मायने हैं वो करेंगे। तो पहले नात की तरफ आते हैं, नात पढ़ते हैं। इसके शायर हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। पहला बंद है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, बर लाने वाले पूरी करने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, मलजा पनाह मिलने की जगह, मलजा पनाह मिलने की जगह, ज़ईफों का मावा, मावा ठिकाना या जाए पनाह, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। दूसरे बंद की तरफ आते हैं, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में गर करने वाला, बदंदेश बुरा चाहने वाले को कहते हैं। इस नात को अगर देखा जाए तो इसमें हुज़ूर सल्लम की तमाम खूबियों का जिक्र है कि किस तरह हुज़ूर सल्लम गरीबों के साथ पेश आते थे, किस तरह बच्चों के साथ पेश आते थे, किस तरह ग़ुलामों के साथ पेश आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें बयान की गई है। अच्छा, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, मफासिद फसाद फैलाने वालों को कहते हैं। कबाइल को शीर व शकर करने वाला, शीर फ़ारसी का लफ्ज़ है, शीर फ़ारसी में दूध को कहते हैं और शकर, शकर जो है वो चीनी को कहते हैं। तो जब हम दूध और शक्कर मिलाते हैं तो उससे वो दूध मीठा बन जाता है। तो उस वक्त के कबाइल जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, आपस में दुश्मनियाँ थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिल्कुल वो चीनी और दूध की तरह आपस में मिलाया और उनमें मोहब्बत पैदा की। उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। यहाँ नुस्खा कीमिया से मुराद कुरान मजीद है। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, मिसे खाम कच्चा तांबा, कच्चा तांबा को जिसने कुंदन बनाया, कुंदन खालिस सोने को कहते हैं। कच्चा तांबा लिया जाता है और उसको आग में पकाकर उसके बाद उसको उससे खालिस सोना बनाया जाता है। खरा और कोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे कर्णों से ताज जहल चाया, कर्णों से सदियों से, सदियों से वो जहालत में पड़े हुए थे, बेटियों को जिंदा दफन करना, शराब पीना, जुआ खेलना, यानी मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों में वो सदियों से पड़े हुए थे। कोई नहीं था या कोई उनका ऐसा बड़ा नहीं था कि उनको मना किया जाता। पलट दी बस एक आन में उसकी काया। अच्छा, जहल जहालत को कहते हैं, काया हालत, यानी हुज़ूर सल्लम के आने से उनकी हालत बदल गई। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, बेड़ा किसी को कहते हैं, मौजे बला समंदर की वो लहर जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाए। इधर से उधर फिर किया रुख हवा का। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। तशरीह में बंद है, तो पहले बंद की तशरीह मैंने आपके लिए यहाँ लिखी है। बंद नंबर एक, नात के इस बंद में शायर फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम में रहमत के लकब से मशहूर हैं और वो गरीबों की हाजतें पूरी करने वाला है। वो मुसीबत के वक्त गैरों के साथ हमदर्दी फरमाते थे और उनके काम आते थे। वो अपनों के भी गमख्वार थे और परायों के साथ भी गम व खुशी में शरीक होते थे। फकीरों के मददगार थे और कमज़ोर लोगों के साथ इमदाद फरमाते थे। वो यतीमों का भी साथ देते थे, यानी मदद फरमाते थे, और ग़ुलामों के भी आका और मालिक थे।
अब बंद नंबर द्वयम की तरफ आते हैं। बंद नंबर दो, इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली को बयान करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकारों को माफ़ फरमाते, बदकार लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदर की निगाह से देखते थे, फसाद करने वाले लोगों का खात्मा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुख्तलिफ कबाइल को आपस में बाई बाई बना दिया और इनके दरमियान लड़ाइयों का खात्मा किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वही लेकर कौम की तरफ आए और एक कीमती नुस्खा भी लाया जिसको कुरान मजीद कहते हैं, जिसमें हर बीमारी और हर मसले का इलाज मौजूद है। अब हम बंद नंबर तीन की तरफ आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाम धात से खालिस सोना बनाकर सच वजूद में तमीज़ यानी फ़र्क को वाज़ह कर दिया। अरब के लोग जो जाहिल थे और सदियों से जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, ये सब बुराइयां सदियों से उनमें मौजूद थी। एक लम्हा में उनकी काया पलट दी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी की उसके बाद अरब की काया पलट दी गई, यानी उनकी हालत बदल दी। अब मुसलमानों को किसी तरह का खौफ और डर ना था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत वो लोग ईमान की दौलत से मालामाल हो चुके थे। वो सारे खतरात का ईमान की मजबूत ताकत से मुकाबला कर सकते थे। जिस बंदे में ईमान हो वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। अगर देखा जाए तो 313 मुसलमानों का लश्कर 1000 काफरों से लड़ा और फतेहयाब हुआ। ईमान की दौलत ही है कि एक मुसलमान मैदान जंग में जाकर शहीद होता है, अगर वापस आता है तो गाजी बन जाता है। यही ईमान की दौलत है जो काफिरों के पास नहीं है। सवाल जवाब की तरफ आते हैं। तो सवाल जवाब में पहला सवाल है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब क्या था? जवाब, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब रहमतुल आलमीन था। दूसरा सवाल है, पहले बंद में शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र किया है? जवाब, पहले बंद में शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंदरजा ज़ैल खूबियों का जिक्र किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, गरीबों की मदद करने वाले और अपने पराए सब की गम व खुशी में शरीक होने वाले फ़कीरों के मददगार थे। सवाल नंबर तीन, मुसद्दस किसे कहते हैं? जवाब, वो नज़म जिसके हर बंद में छः मिसरे होते हों मुसद्दस कहलाता है। वो नज़म जिसके हर बंद में छः मिसरे होते हों मुसद्दस कहलाता है। अब हम सवाल नंबर दो की तरफ आते हैं। मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मायनी लुगत से तलाश करके लिखें। मंजिल अल्फाज के मायनी, अल्फाज मायनी, मलजा पनाह मिलने की जगह, मावा ठिकाना, कन
सदियों पर फैला हुआ जमाना, खताकार गुनाहगार, मिसे खाम कच्चा तांबा, कुंदन सोना। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। इस नज़म में से 5 मुहावरे तलाश करें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला मुहावरा है मुरादे भर लाने वाला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादे भर लाने वाले थे। दूसरा है शीर व शकर होना। अरब कबाइल दुश्मनियाँ बुला कर शीर व शकर हो गए। शीर दूध को कहते हैं, शकर चीनी को कहते हैं। कुंदन बनना, कुंदन आग में तप कर सोना बन जाता है। काया पलट देना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अरब की काया पलट दी। आपको समझ आ गई होगी इस मश्क की। शुक्रिया।